I am going to speak in Hindi because whatever I am going to speak just now, that should be forwarded to all the parents of our school. जो यहाँ पर आज मैंने ये मदर्स के लिए एक्टिविटी रखी कि वो आ करके हमारी हमारे बच्चों को स्टोरी सुनाए, उसके पीछे एक रीजन था। हम सेंट जॉन्स एकेडमी में चाहते हैं कि मैं खुद एज हेडमिस्ट्रेस, हमारी टीचर्स, हमारे बच्चे और बच्चों के माता पिता, न केवल माता पिता बल्कि उनके घर में अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो भी सब एक परिवार के जैसे हों। आपने खुद देखा होगा कि यहाँ पर आकर के अगर मदर्स को स्टोरी सुनानी है तो एक अच्छा खासा प्रिपरेशन लगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज सुबह 9 बजे सोचा कि हम स्कूल जाएंगे और स्टोरी सुना देंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपने अपने आप को प्रिपेयर करा होगा और कम से कम आपको 5 डेज लगे होंगे सबसे पहले स्टोरी को बच्चों के हिसाब से सेलेक्ट करा होगा, उसके बाद उसके हिसाब से प्रॉप्स बनाए होंगे, उसके बाद उसको कैसे बोलना है आपने कई बार घर में आईने के सामने प्रैक्टिस करी होगी कि हमारा एक एक शब्द, एक एक लफ्ज जो हम बोलने जा रहे हैं उसका प्रोनंसिएशन कैसे होगा, हमें अगर बच्चों के सामने एक्सप्रेशंस देने हैं तो हमें कैसे एक्सप्रेशंस देने हैं। मैं यही बात सारे अपने मदर्स को जो कि हमारे स्कूल की हैं उनको समझाना चाहती हूँ। बच्चे उनको जन्म देना मुझे आज के जमाने में आसान दिखता है, लेकिन उनको बड़ा करना, एक अच्छा कल्चर देना, एक अच्छा संस्कार देना, एक अच्छा इंसान बनाना, ह्यूमन बीइंग बनाना, ये सबसे मुश्किल काम है आज के जमाने में, क्योंकि आज के बच्चों के पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनके पास इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या करने चाहिए। में हमारे टीचर्स रहते हैं स्कूल के अंदर उनको गाइड करने के लिए कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं, लेकिन हमारे बच्चों के जो माता पिता हैं उनका रोल उनके बच्चों की लाइफ के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आज के टीचर्स के लिए है। और ये सेशन मैंने जानबूझ करके आज रखा क्योंकि एक बहुत लंबी गर्मी की छुट्टियां वेट कर रही हैं हमारा, जब हमारे बच्चे अपने माता पिता के साथ होंगे, अपने रिश्तेदारों के साथ होंगे, कुछ बच्चे अपने नानी नाना के पास जाएंगे तो कुछ बच्चे अपने दादी दादा के पास जाएंगे, और हम ये मैसेज उन सारे लोगों को देना चाहते हैं, घर का माहौल अच्छा रखें, घर में बातचीत अच्छी तरह से करें, घर में एक दूसरे को इज्जत से पेश आए, लड़ाई झगड़ा ना करें और अपने आप को सारे के सारे सोशल प्लेटफॉर्म से दूर रखें और बच्चों को वक्त दें। मेरा अपना अनुभव है एज हेडमिस्ट्रेस आल्सो, एज रिनी राम आल्सो, क्योंकि मेरे खुद के भी पास 2 बच्चे हैं, वक्त बहुत इम्पोर्टेंट होता है अपने बच्चों को देना। अच्छी अच्छी किताबें, महंगी महंगी किताबें, महंगा महंगा सामान देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इम्पोर्टेंट है हम अपने बच्चों को वक्त दें, उनसे बातें करें, उनसे रूबरू बैठ करके पूछें कि आज उनका दिन भर कैसा बीता, उन्होंने दिन भर में क्या करा, जो अच्छी चीजें उन्होंने करी हैं वहां पर हम उनको अप्रिशिएट करें, जो गलत चीज उनको उनसे हुई है, बजाय इसके कि हम उनको बिल्कुल ऐसा कर दें कि तुम अब किसी भी लायक नहीं हो, नहीं, हम उनको बताएं कि कहां पर क्या गलती हुई है और उस गलती को हम किस तरह से सुधार सकते हैं। ये बहुत छोटे बच्चे हैं, बिलीव करिए ये इन्हीं में से कोई हमारा प्रेसिडेंट भी बन सकता है, कोई प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, कोई चीफ मिनिस्टर बन सकता है, कोई आईएएस ऑफिसर बन सकता है, कोई आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, कोई आईएफएस में जा सकता है, कोई बहुत अच्छा प्रोफेसर बन सकता है, पता नहीं दुनिया की कितनी सारे आजकल जॉब्स हैं, बिजनेसेस हैं, एंड दे कैन बी एंटरप्रेन्योर्स आल्सो, पता नहीं क्या क्या ये बच्चे कर सकते, इनकी क्षमताएं
ना आप समझ पाते हैं ना हम समझ सकते हैं, मगर इनके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, इतनी सारी क्षमताएं हैं आजकल के बच्चों के अंदर कि हम उसको बांध नहीं सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारे पास स्पेशली जब हम हमारे बोल रहे हैं तो हम पेरेंट्स का नाम ले रहे हैं, टीचर्स नहीं करती हमारे स्कूल का ऐसा, वो तो बहुत ध्यान देती हैं। मैं चाहती हूँ हमारे पेरेंट्स हमारे बच्चों पे ध्यान दे, जो जिसका बच्चा है उस पर ध्यान दे, बच्चा क्या कर रहा है एक नजर रखे कि वो लिख रहा है तो कैसे लिख रहा है, पढ़ रहा है तो कैसे पढ़ रहा है, ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस वॉज द ओनली रीजन दैट आई वॉन्टेड माई पेरेंट्स टू कम ओवर हियर सो दैट दे शुड अंडरस्टैंड एनालाइज एंड रियलाइज कि बच्चों को वक्त देना आसान नहीं, हमको अपनी आप को अपग्रेडेड करना पड़ेगा, हमको अपनी आप को आजकल की जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके हिसाब से अपनी आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब हम खुद समझदार होंगे, जब हमें खुद पता होगा कि हमें किससे कैसे बात करनी है, हमें किससे कैसे पेश आना है, हम अगर फोन पे बात करें तो किस तरह से करें, हम अगर किसी के घर जाएं तो कैसे बात करें, हमारी बातचीत करने में एक शाजगी होनी चाहिए, एक डिसेंसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बातचीत करने का तरीका हमारे घरानों के बारे में बताता है। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, कोई बात नहीं है हमारी ये जो 5 मदर्स आ जाएं जिन्होंने अपने डेली शेड्यूल में से वक्त निकाला और यहाँ पर आकर के हमारे बच्चों को स्टोरी सुनाई, Mrs. Khan, Mrs. Heather, Mrs. Charles, Mrs. Gupta, Mrs. Siddiqui, मैं आप पांचों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ अपने सेंट जॉन्स फ्रेटर्निटी की तरफ से कि आपने आ करके हमारी इज्जत का बढ़ावा करा और हमारी हौसला अफजाई करी। आप लोगों के साथ में आपके कुछ लोग मदर्स के हस्बैंड्स भी आए हैं, सोचो कितनी बड़ी बात है ये। सबके अपने अपने बिजी शेड्यूल हैं, सबके अपने अपने ऑफिसेज हैं, सबके अपने अपने जॉब्स हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने टाइम दिया। मैं यही समझाना मांगती हूँ, आज टाइम पर बोला भी बहुत गया, दो दो स्टोरीज हमारी टाइम से रिलेटेड थी, सोचो टाइम कितना बड़ा कीमती चीज है हमारे लिए। और जिन लोगों ने टाइम दिया वो उसके लिए तो हम बहुत ही बड़े एहसानमंद हैं। हमारे आगे आने वाले सेशंस में भी जुलाई से हमें बहुत सारी चीजें ऐसी प्लान करी हैं जहां पर कि फादर्स और मदर दोनों का हमको यहां पर सपोर्ट चाहिए। वो रीजन हम दादा दादी नाना नानी को बहुत ज्यादा इसलिए भी इन्वॉल्व कर रहे हैं क्योंकि सभी के दादा दादी और